नमस्ते दोस्तों, मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट अवंति देशपांडे। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक आपका डाइट प्लान कैसे होना चाहिए। ये एक 1400 किलो कैलोरी डाइट है और इससे मिलेंगे आपको 60-65 ग्राम प्रोटीन। दोस्तों, ये आप नोट करें कि अगर आपको आपके हिसाब से डाइट प्लान चाहिए तो आपको आपका वेट, हाइट और एज पता होना चाहिए। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म कैलकुलेट होता है और उसके हिसाब से ही कैलोरी की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट होती है। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हाइपोथायरॉयडिज्म का फुल डे डाइट प्लान देखने से पहले आप ये जान लें कि हाइपोथायरॉयडिज्म इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, मतलब आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट फॉलो करना चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि आपको फैट डाइट फॉलो करके और भी तकलीफ हो सकती है और आपकी हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम और भी एग्रीवेट हो सकती है। तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए और वेट लूज करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, जिसके साथ साथ आप 20 से 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी रोज कर ले, इस पे ध्यान जरूर देना। हाइपोथायरॉयडिज्म डाइट में दिन की शुरुआत आप एक ग्लास पानी से करोगे। आप इसमें एप्पल साइडर विनेगर डाल के ले सकते हैं या फिर आप इसमें नींबू निचोड़ के भी आराम से ले सकते हैं। इससे आपकी बॉडी अल्कलाइन बन जाएगी। 10 मिनट के बाद आपको 2 टेबलस्पून अलसी के बीज या फिर कोई भी मिक्स सीड्स लेने हैं, जैसे कि पम्पकिन सीड्स, मेलन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इसको मिक्स करके आपको लेना है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है और ये फाइबर रिच भी है, तो आपको 2 टेबलस्पून ये जरूर लेना है। ब्रेकफास्ट में हमें एक एंटी इन्फ्लेमेटरी जूस लेना है जो कि बनता है बीटरूट, स्पिनेच, जिंजर और एप्पल से। ये आपको एक ग्लास जूस लेना है। इसके साथ साथ आपको कोई भी प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लेना है। अभी मैंने आपको दाल चीला दिखाया है जो कि है हमारा प्रोडक्ट। अगर आपको चाहिए तो आप घर में भी दाल चीला बना के ले सकते हैं। तो ध्यान रहे कि अच्छा खासा प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट और उसके साथ साथ जूस अगर आप ले लेंगे तो ये हो गया आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। 11 बजे आपको एक ग्लास बटर मिल्क लेना है जो कि बना है एक कप दही से। बटर मिल्क में है प्रोबायोटिक्स, ये आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे और इन्फ्लेमेशन को कम करने में काफी मदद करेंगे, तो ये लेना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको 11 बजे बटर मिल्क नहीं लेना है तो ये ध्यान में रखना कि दिन भर में कभी भी आप एक ग्लास बटर मिल्क जरूर ले सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के मैनेजमेंट के लिए आपको डाइट में मिलेट्स का सेवन बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो हम लंच मिलेंगे एक हेल्दी प्लेट के हिसाब से। इसमें रहेगा सैलेड जो कि है क्यूकम्बर, इसके साथ साथ है कैबेज की सब्जी, फिर उसके साथ है एक कटोरी दाल और उसके साथ में है एक मिलेट की रोटी जो कि है हमारा प्रोडक्ट। इस पे घी डालना मत भूलना। अगर आपको चाहिए तो आप किसी भी मिलेट्स की रोटी बना सकते हैं, जैसे कि जवारी, नाचनी या फिर चावल के आटे की भी रोटी बना के ले सकते हैं। अगर आपको मिलेट्स की रोटी बनाना नहीं आता है तो आप डायरेक्टली मिलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि राइस के हिसाब से आप पका सकते हैं। ये कई बार माना जाता है कि अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे कि कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली या फिर सोयाबीन आपको अवॉइड करना है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप हिली एरिया में रहते हैं तो ही आपको गोइट्रोजन की फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि उस सॉइल में गोइट्रोजन्स ज्यादा होते हैं। लेकिन जो सी लेवल पे रहते हैं उनको ये फूड्स अवॉइड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप ये एक ध्यान में रख सकते हैं कि जब भी कोई सब्जी बना ले तो फिर वो अच्छी तरीके से पका के खानी चाहिए, स्पेशली कॉलीफ्लावर, कैबेज और ब्रोकली। 4 बजे जब आपको बहुत भूख लगती है तो इस टाइम आपको लेना है आलमंड्स। इसके साथ में आप वॉलनट्स भी ले सकते हैं। एक फिस्टफुल आलमंड्स और वॉलनट्स मिला के एक सर्व बन जाता है। अगर आपको भूख बहुत ज्यादा लगी है तो इसके साथ में आप एक फ्रूट भी आराम से ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भूख ज्यादा लगती है 4 बजे तो आप स्प्राउट चाट भी इजिली कंज्यूम कर सकते हो। आलमंड वॉलनट्स है प्रोटीन रिच, यह है ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच और यह है फाइबर रिच, तो ये एक बिल्कुल एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है और आपको इसका सेवन डाइट में हाइपोथायरॉयडिज्म अगर आपको है तो बिल्कुल ही करना चाहिए। अभी देखते हैं कि डिनर में हम क्या यमी चीज पका रहे हैं। तो डिनर में हम लेंगे फॉक्सटेल मिलेट की बनी हुई खिचड़ी।
इसमें फॉक्सटेल मिलेट और मूंग दाल इक्वल मात्रा में यूज की गई है और इसकी नॉर्मल खिचड़ी जैसे कि चावल की खिचड़ी बनाते हैं वैसे ही खिचड़ी बनाई है। ये आपको 1.5 कटोरी खिचड़ी लेनी है। इसके साथ में लेना है कोई भी रायता या फिर सैलेड। इसमें मैंने कैरेट और टमेटो का रायता का इस्तेमाल किया है। हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेवन बढ़ाना है जैसे कि पालक, मेथी, कोलोकेशिया। तो आज मैंने डिनर में धनिये के लीव से बना हुआ रोल बनाया है। ये एक टिपिकल महाराष्ट्रियन डिश है जिसको बोलते हैं कोथिंबीर वड़ी। तो इसमें से आपको आराम से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिल जाएंगे। अब अलग अलग तरीके से भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बना सकते हैं जैसे कि दाल में डाल के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की सब्जी बना के। लेकिन आपको हफ्ते में 2 या 3 बार ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेवन जरूर करना चाहिए। हाइपोथायरॉयडिज्म के मैनेजमेंट के लिए 4 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो कि है आयोडीन, जिंक, सिलीनियम और विटामिन डी। ये आपको अलग अलग खाने से मिल जाएंगे जैसे कि सीड्स और नट्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स जो कि है मिलेट्स, सी फूड से, सी वीड से या फिर एग्स एंड चिकन से। तो जितना आप आपके खाने में वैरायटी रखेंगे उतने ही आपको न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिल जाएंगे। तो ये ध्यान में जरूर रखिए कि हाइपोथायरॉयडिज्म का डाइट फॉलो करते समय स्टार्वेशन नहीं करना है लेकिन आपके बॉडी को नरिश करना है ताकि आपके हार्मोन्स अच्छी तरीके से बैलेंस हो जाए। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो फिर कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर भेजिए। अगर आपको पर्सनलाइज डाइट प्लान चाहिए तो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट दी गई है और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए गए हैं। See you in the next video. Until then, stay healthy, stay safe.